bên vắng qua ra ra pa nu chạy tô ngân liều lăng dùng với chinh cha ya ya pa bên vắng qua ra ra pa nu chạy tô ngân liều lăng dùng với chinh cha ya ya pa nang phai a shon se aaj ab yahan tak aaya hai rasta ke bare mein ab sir kya bolna chahte hain रास्ता का ऐसे है आपका ये PMGSY है, PMGSY का गवर्नमेंट का जो कानून है उसका अनुसार होगा और साथ में ये बीच भी थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस तो हम कर रहा है और साथ में आपका जो गांव में आपका इंटर कॉलोनी का रास्ता जो हम बना दिया है। थैंक यू सर। आने वाला फ्यूचर के लिए आप क्या सोच रहे हैं? आने वाला फ्यूचर में अभी देखिए कि कोरोना होते हुए भी चाटिंग में हम इतना डेवलपमेंट करा दिया और आपका 2024 के बाद 2024 के बाद ये जो चुनाव में अगर वो जीत जाएगा वो ये गांव का पूरा डेवलपमेंट कर देगा। सर एक्चुअली हम एक पूछना चाहते हैं, जैसे हम लोग जे जेम आया हुआ है तो जे जेम आने में हम लोग स्टार्टिंग में हाफ एंड वन ईयर हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कनेक्शन तो है लेकिन पानी तो नहीं है, उसका बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अभी हम स्टार्टिंग में उस दिन जाके आया है आपका नवंबर महीना में कि हर एक घर में जल ही जल था, हम इतना देखा है वो तो पानी ठीक ही था। अभी ये महीना में तो हम नया साल में गया नहीं है आपका, हम दिसंबर और नवंबर महीना में गया था, जाके देखा है तो हर घर में पानी आ रहा था। थैंक यू सर। ओके कैसे एंजॉय लगा है? बहुत अच्छा लगा है, ऐसे आज फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट जनवरी पिकनिक प्लस मतलब बीजेपी का जो अभी नेता है हमारा ऑनरेबल MLA वो भी आया है और जितना भी चैटिंग बस्ती है बहुत मतलब अच्छा से हम लोग इन्जॉय किया है। आने टाइम में भी हम लोग बहुत खुशी से आज चैटिंग में पिकनिक खाएगा बोल के बहुत खुशी से आया है और पिकनिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का मुताबिक में चैटिंग विलेज का ये पॉपुलेशन का आपका हिसाब में तो 90% का हिसाब में आप लोग हमारा पार्टी में शामिल हुआ होगा बीजेपी का पार्टी में, आपको कैसे लगता है? वो तो अभी पॉलिटिक्स का पार्ट है, अभी तो फिलहाल मतलब 99% अभी मेजोरिटी ही देख रहा है हमारा पार्टी में और फुल मेजोरिटी मतलब बीजेपी से मतलब हम लोग चैटिंग को मना जा रहा है, मतलब अच्छा पता है अभी तक जो भी कामकाज में GPC से लेके जितना भी है अभी कोऑपरेट करके हम लोग का साथ काम कर रहा है, जितना पब्लिक है वो लोग भी अच्छा से ही कोऑपरेट कर रहे हैं। और आपको यहाँ से लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर से यहाँ तक आने में कुछ प्रॉब्लम रोड का हिसाब में कुछ तकलीफ तो नहीं है? वैसे थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम हुआ है लेकिन उसके लिए अभी मेंटेनेंस का जो शुरू हो रहा है उसी से हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। पिकनिक पार्टी आले हैं हम तो बीबी सिंह तंपू ये बुरा ना जंग अनि क्यों इले पुआ के नंग जों नंगे महिले ते बतिया माले ते
मैले पोपिया थको लमन मई ये जीव जो इलोशी फे या सब हल्ला लान मैले या नी क्या इलो आज हम लोग चैटिंग बीजेपी टीम यहाँ में पिकनिक 2023 न्यू ईयर का नाम से पिकनिक खाने के लिए आ रहा है। इसमें कम से कम लाख भाग हम लोग 500 वोटर्स आया है, आउट ऑफ 790 है हम लोग का ये वोटर्स है टोटल, लेकिन वहाँ में से कम से कम 500 ऐसे कुछ आया है, मोर देन 500 हो सकता है। और ये छोटा बच्चा लोग से लेकर के कम से कम 1000 करीब है हम लोग। और यहाँ में इस बार भी 2024 में हम लोग का बीजेपी कैंडिडेट श्री तानफो वांगनाओ 59 लोंगडिंग पुमाओ एमएलए उसको ही कंटिन्यूशन पास कराएगा बोल के चैटिंग वैलेस से तो पूरा मेजोरिटी उसमें है, स्ट्रॉन्ग है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी टीम कोई कम नहीं है चैटिंग वैलेस में। हम लोग जितना है जितना सकेगा उसने जितना उसका जैसे वाला, और अभी तक तानफो साहब जैसे वाला 59 लोंगडिंग पुमाओ कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, क्योंकि हम लोग का बस्ती में अभी टोटल कम से कम कोरोना से लेकर विद इन 5 ईयर्स में उसने डेवलपमेंटन काम किया है कि कम से कम 14 प्रोजेक्ट उसने देखो 2-3 ईयर्स में ही उसने इतना किया है। तो अभी दोबारा 2024 में करने से पास हो जाने से फिर कंटिन्यूशन वो करने से कितना हम लोग आगे बढ़ेगा वो देख के, वो उसके काम काज उसका हालचाल अच्छा वाला देख के हम लोग उसको ही 2024 में भी उसको ही चुनाव में जीत के भेजेगा बोल का हम लोग का चैटिंग के पूरा फुल सपोर्ट मिस्टर तानफो वांगनाओ में है। थैंक यू। चैटिंग बीजेपी टीम आज पिकनिक के लिए आया है, बहुत खुशी है। और बस्ती में जितना भी बीजेपी टीम है, मोर देन 150 हाउसेस एंड मोर देन 500 एंड 600 पॉपुलेशन इतना आया हुआ है, हम बहुत खुश हैं। और ये हम लोग का पार्टी का तरफ से भी और ये सब बस्ती का तरफ से भी सब ये मेजोरिटी एंड कोऑपरेशन मेंटेन्स के लिए, पार्टी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और बस्ती का डेवलपमेंट एंड सब चीज़ के लिए हम लोग ये मेजोरिटी मेंटेन किया है। और पहले बार ये नया साल के लिए हम लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आया है। थैंक यू सो मच। तेचोंग